हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं कैसे स्टॉक लेके आया, जो कि बहुत ही फंडामेंटल स्टॉक है। आप चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, क्योंकि स्टॉक जो आज की डेट में जिस प्राइस पे मिल रहा है ना, वो शायद हमें एक साल के बाद ये प्राइस में कभी देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि स्टॉक बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक हमें मतलब आने वाले दिनों में बहुत ही जैकपॉट साबित हो सकता है, और अभी तक साबित करके दिखाया, रिटर्न देकर दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगा लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कुछ ऐसे स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों प्रिंस पाइप से रिलेटेड। आप देख सकते हो कि प्रिंस पाइप आज के डेट में ना प्रॉफिट ना लॉस हमें देखने को मिला है यहाँ पे। वहीं यहाँ पे हम बात करेंगे अगर पिछले 5 डे का, तो आप देख सकते हो पिछले मतलब यहाँ पे 5 डे में एक ही ट्रेंड में स्टॉक हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। न यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना नीचे हो रहा है, लेकिन इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और भी यहाँ पे देख रहे थे चीज़ें। तो यहाँ पे अगर इस स्टॉक का पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 6 मंथ में लगभग इस स्टॉक ने 190% से अधिक का रिटर्न दिया है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करेंगे इस स्टॉक का अगर पिछले यानी कि सबसे अधिक दिन का चार्ट पैटर्न का, तो आप देख सकते हो स्टॉक यानी कि दिसंबर में लिस्टेड हुआ था पिछले साल, लेकिन यहाँ पे जैन से यहाँ पे डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम डे के चार्ट में देखें तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 58% से अधिक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करूँगा, जैसे कि आपको पिछले 5 डे का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक ही ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, अगर स्टॉक अगर 261 को एक बार क्रॉस करता है ना, तो देन स्टॉक हमें 300 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका मैं बात करूँ तो इसका इस स्टॉक का 260.75 का जो एक बार हाई बनाया था ना, वहाँ से स्टॉक हमें 220 के ऊपर भी ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। लेकिन यहाँ से फिर स्टॉक 240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लेकिन एक बार ये अगर स्टॉक ने 261 का अगर इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा, तो देन दोस्तों हमें स्टॉक 300+ में देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों मंथ में। तो चाहो तो आप इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, ताकि आपको ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा मिल सके। क्योंकि स्टॉक हमें अगले 2 साल में लगभग 500+ में देखने को मिल सकता है, जितना इस स्टॉक के अंदर दम है दोस्तों। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे NSE की साइड पर, तो NSE की साइड पर यहाँ पर हम देखेंगे इस स्टॉक का फेस वैल्यू, तो यहाँ पर हमें 10 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 52 के लो की बात करेंगे, तो स्टॉक 100 के नीचे ट्रेड कर रहा था हाल ही के दिनों में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मंथ में दोस्तों। वहीं स्टॉक अगर यहाँ पे 52 की हाई की बात करेंगे, तो आप देख रहे हैं 260 के ऊपर स्टॉक ने ट्रेड किया था, वहाँ से स्टॉक में गिरावट आई थी। अब फिर क्योंकि वहाँ पे स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग मतलब हुआ था ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन इस स्टॉक में अगर आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी बहुत जम के हो रही है। इस स्टॉक में हमें फिर से रैली देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में लगभग 68% से अधिक इसमें डिलीवरी हमने देखने को मिला है केवल आज के दिनों में, जितना ज़बरदस्त तरीके से इस स्टॉक के लोगों ने खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि एक आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रखो, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस स्टॉक से। यहाँ पे हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, था यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं सितंबर जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कितना ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे डिविडेंड से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक बार इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया था मार्च में 1 रुपये प्रति शेयर, वहीं हाल ही के दिनों में डिक्लेयर हुआ है कंपनी ने इसी मंथ में फिर से 1.5 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड फिर से देगा शेयर होल्डर को कंपनी ने। क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो दोस्तों कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस नहीं है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करूँगा यहाँ पे शेयर होल्डर का पैटर्न, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग कितना ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मनी कंट्रोल की साइड पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मनी कंट्रोल की साइड हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट।
तो यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर, यहाँ पे तीनों इंडिकेटर हमें वेरी बुलिश देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी संकेत है कि इस स्टॉक में हम फिर से अगेन बहुत बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। फिर एक बार कहना चाहूँगा कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगले दो साल में मैं बात करूँ, अगले दो साल में स्टॉक हमें 500+ में देखने को मिल सकता है। आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा सा स्टॉक ढूंढ रहे हो तो स्टॉक आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे सबसे यहाँ पे कुछ और, अगर इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2600 करोड़ से अधिक का हमें देखने को मिल रहा है। एक स्मॉल कंपनी दोस्तों, वहीं मैं बात करूँगा। इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो का 38.72 देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक का पी रेशियो मात्र 24.04 है। तो दोस्तों जो कि इंडस्ट्री के पी रेशियो से काफ़ी हमें नीचे देखने को मिल रहा है। इस मतलब इसको वजह से भी इस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी हमें फेस वैल्यू 10 रुपये ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं बात करूँगा इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर हम देखेंगे सेल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर, यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का सेल्स कितना ज़बरदस्त है, जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करूँगा नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 4 गुना से भी अधिक है यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर में अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर। तो यहाँ पे कुछ इस स्टॉक्स से अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी बिल्कुल दोस्तों न्यू है। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस हमें जैसे कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्वार्टर पर क्वार्टर, जैसे मार्च 18 की बात करें तो यहाँ पे 400+ में था रिजर्व एंड यहाँ पे 200+ में था रिजर्व एंड सरप्लस। वहीं में बात करें 19 का, यहाँ पे 300+ में था रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन यहाँ पे इस साल 2020 में हमें लगभग डबल से भी अधिक रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। कंपनी किस तरीके से अपने रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे मैं स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है असर्टेन पीरियड को, मतलब असर्टेन पीरियड को लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी ने क्रिएट कर रखा है। वहीं मैं बात करूँ डेप्ट से रिलेटेड, आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे ईयर बाय ईयर डेप्ट फ्री हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं मैं बात करेंगे करेंट लायबिलिटी की, तो यहाँ पे 400+ में लगभग 500 का राउंड फिगर में हम ले सकते हैं। फिक्स एसेट भी कंपनी यहाँ पे ईयर बाय ईयर हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कंपनी हमें बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर का पैटर्न देखेंगे, म्यूचुअल फंड कितना परसेंट होल्डिंग है यहाँ पे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 11% अधिक की होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड की हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी हमें सेम यहाँ पे 63% से अधिक का देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे प्लेस बिल्कुल नहीं है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है यहाँ पे शेयर होल्डर का, यहाँ पे प्रमोटर का। वहीं मैं बात करूँगा FII की होल्डिंग इसमें ना के बराबर है। वहीं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमें जीरो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अदर डे की बात करेंगे तो यहाँ पे 13.5% से अधिक की होल्डिंग है। वहीं यहाँ पे अदर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर टाइप की यहाँ पे 11% से अधिक की होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर स्टॉक के ऊपर मैं फिर से अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा सा स्टॉक चाहिए तो स्टॉक हमें और स्टॉक के अपेक्षा कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका अभी तक मैंने देखा हूँ रिटर्न दिया है, तो मुझे अगले दो साल के लिए स्टॉक हमें 500+ में देखने को मिल सकते हैं। आप चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर वॉच लिस्ट में अपने डीमैट अकाउंट में ऐड कर सकते हो, ताकि आपको अगर लगे कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट होती है तो हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक हमें बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।